लाभ हानि से प्रश्न है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये 12 जो है वस्तुओं की संख्या है, 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, ये 16 वस्तुओं की संख्या है, बराबर हो तो हानि प्रतिशत की गणना करें। यानी जब क्रय मूल्य के वस्तुओं की संख्या कम और विक्रय मूल्य के वस्तुओं की संख्या अधिक होगी तो उस पीरियड में हानि हो जाता है। तो हानि की गणना करने के लिए ट्रिक है, हानि प्रतिशत बराबर, इसे मान लीजिए आप देखिए m और इसको n, तो होता है n माइनस m, यानी जो वस्तुएं अधिक हैं उसमें कम वस्तुओं की संख्या को घटाई जाती है और नीचे में n गुणे 100, यानी n के जगह 16 माइनस m के जगह 12 वस्तुएं, n की जगह 16 गुणे 100, 16 में 12 घट गया 4 बटा 16, ये हो गया 100, 4 से कटेगा तो हो जाएगा 4, 4 से कटेगा हो जाएगा 25, यानी 25% की हानि हुई इस प्रश्न में।